ये कप प्लेटें लगा रखी हैं, है ना, ये टूटी हुई प्लेट्स लगी हैं, कप हैं, सॉसर भी हैं। इसमें ध्यान से देखो, मुंडी गायब है और ऊपर से और नीचे से टांगे जोड़ दी उल्टी करके, और अब मेरा हाथ ऐसे अलग लग रहा है। और ये कुछ एक्स्ट्रा लंबी नहीं लग रही? हाँ, कपड़े से बनाई हुई है। मस्त क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। चलेंगे हम आज की? नहीं चलेंगे भी? ये जूते मेरे को ऐसे लग रहे हैं बड़े बड़े लग रहे हैं। बेटा मेरे को तो तू बड़ी लग रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट यार, बहुत टाइम हो गया। एक ये तूने भी रॉक गार्डन देखना है? नहीं नहीं, तो फिर तेरे को कहाँ डाले? रैंस वो बचा रहे, ऊपर जाएंगे उनका मुर्गा बन जाएगा। अच्छा, मुर्गे में जान नहीं है, है? भजीज में जान है। नहीं तो जान तो इनकी भी निकाल दी होती अब तक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम कवर करने वाले हैं रॉक गार्डन। तो यार मुझे पता है बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रही है, तो एक्चुअली यार थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो हो नहीं पा रही हैं चीज़ें। तो आज हम कवर करने वाले हैं रॉक गार्डन। उधर जा रहा था मैं चंडीगढ़ वाली साइड, मैंने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाते हैं रॉक गार्डन। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक रॉक गार्डन देखा नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक रॉक गार्डन नहीं देखा मैंने। एक बार चलते हैं, देखते हैं और क्या है, क्या सब है, क्या नहीं है। और इन्होंने तो यार काफ़ी टाइम लगा दिया एक्चुअली ये रेडी रूडी होने में। हमने सोचा था कि हम 9 बजे एग्जैक्टली निकल जाएंगे, लेकिन टाइम 10 बज चुके हैं। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। सोचा था कि थोड़ा रश नहीं होएगा, थोड़ा ठंडे ठंडे में देख लेंगे, पर अभी तक तो निकल नहीं पाए हैं सच, जैसे हमारा हर बरी का होता है। तो चलो चलते हैं, इनको करता हूँ, खींचता हूँ थोड़ा, और फिर मिलते हैं आपसे सीधा रॉक गार्डन में। चलो बेटा चलो निकलो, शाबाश, हो गया व्लॉग, चलो। और आज मैं सीधा तैयार होके मिल रही हूँ, क्योंकि तैयार होने में तो 3 घंटे लगाए हैं आपने, इसलिए आप सीधा तैयार होके मिल रहे हो। इग्नोर करो इसको। क्योंकि आज चलो चलो फटाफट निकलो। जेरी कैन ना ले ले पानी वाला। जब आप जाओगे तो पता चलेगा आप गए नहीं, हम दोनों जाके आए, और पता है कितना लंबा है और कितना ज्यादा है अंदर चलने के लिए। तो फिर तो खाना और पानी ना वो सबसे एंड में मिलता है। चलो भाई, टाइम 11:30 हो गए हैं, तो बहुत लेट कर दिया इन्होंने, अब निकलते हैं फटाफट और दिखाता हूं आपको अंदर से। यहां पे ना उनकी जगह भी बनी हुई है जहां बैठ के उन्होंने सारा ये प्लान किया। अच्छा, जो वेस्ट छोटी छोटी चीजें थी ना, हाँ, उनसे उन्होंने बनाया, जैसे प्लास्टिक हो गया, बैंगल्स होगी, ऐसी ऐसी चीजों से बनाया। अच्छा, एंट्री कहाँ है? उधर 30 रुपीज की टिकट है अडल्ट की, और 10 रुपए की चिल्ड्रन की। टॉयलेट सीट है ये? टॉयलेट सीट के भी अंदर बने हुए। जितने भी ऐसी ऐसी चीजें थी ना, वो सबका बनाया। तो तेरे को ऐसे नहीं लगता देख के वाला? नहीं, वो गंदे वाले थोड़ी यूज करी हुई। ले, अरे वेस्ट का मतलब क्या? ऐसे मिडिल फिंगर जैसे नहीं लग रहा है ना? उन्होंने तो बना दिए हैं और बोला है समझ खुद लो। सही बात, ये तो वो हैं बल्ब के होल्डर होते हैं ना पुराने टाइम पे, ट्यूबलाइट बल्ब के। पुराने
बंदे को जो मिला ना, टाइलें, पत्थर, होल्डर सब जोड़ दिया। जो फ्यूज फ्यूज भी होते हैं, हाँ इलेक्ट्रिकल जो सामान। हाँ 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 तो आप आगे देखो। अच्छा ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है ना। सिद्धू मूसेवाल अरे वाह, ये छोटे छोटे पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है सारा। मस्त 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 मस्त, मस्त। ये मस्त बनाया हुआ है कलाकृति है ना। ये तो पेड़ जैसे ही लग रहा है। हाँ ये पेड़ ही है, असली लग रहा है मेरे को तो। पर ये असली नहीं हो सकता यार, पत्थर है ये। हाँ ऊपर वो बना हुआ है, वही वही वही। और ये ऊपर पता नहीं क्या बना रखा है, ऐसे टेंपल जैसा भी। इससे आगे एक और आता है बड़ा सा। हाँ फाउंटेन। अच्छा बेटा आज हम आए हैं आपके साथ ना, इसलिए कम है भीड़। जहाँ पे भीड़ होती वहाँ पे हम नहीं होते, हम जाते नहीं, हम जाते नहीं वहाँ पे। अरे वाह, ये पता क्या है, चक्की दे पुड़ नहीं लगते पे है ना। मुझे लग रहा है ये लेंटर के ऊपर ना चिपकाए हुए हैं ऐसे, फॉल सीलिंग करी हुई है। ये आ गया वही वही झरना आ गया। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ऐसे वाले पत्थर ढूंढे कहाँ से होंगे इतने, है ना। सीधे सीधे को बना दिया होगा, अच्छे बनाया। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक बड़ा वो नहीं किया, लेकिन अब वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ वही वही ना, ये मतलब कहाँ से ढूंढ ढूंढ के चीजें लगाई हुई हैं, लाई हुई हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है देखो भाई, ये पत्थर क्या मस्त जोड़े हुए हैं। ये देखो लो जी, फोटोग्राफी के लिए तैयार। और आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा नीचे, तो ये फोटो सब इंस्टाग्राम पे जाती हैं। ये तभी इतना मेंटेन है, ये तो घास निकल आता है इसके बीच से। ये अच्छे लग रहे हैं ये दिए दिए से जो डाल रखे हैं। ये इधर बड़े वाले ग्रिप भी लगा रखे हैं। तो ये तो मेरे को समझ में आता है, ये तो स्क्रैप से मिल सकता है आपको यहाँ पे शहरों में इजीली, बट ये पत्थर ऐसे वाले मिलने मुश्किल है इतने शहर। हाँ ये भी है, तब तो डेवलप भी नहीं थी। बेटा डोंट माइंड योर हेड प्लीज, डोंट डोंट प्लीज डोंट। ये कप प्लेटें लगा रखी हैं, है ना, ये टूटी हुई प्लेट्स लगी हैं, कप हैं, सॉसर भी हैं। ये डॉल की बाजू लगा रखी है, एंड में कप लगा रखे हैं। देखो ये देखो, डॉल म्यूजियम फेज 3 अदरवाइज एग्जिट। तो अभी हम चलते हैं डॉल म्यूजियम की तरफ। ये और बड़ा फाउंटेन आ गया यहाँ पे। तो एक चीज़ है, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली बनाए हुए। थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ होंगी जैसे ये वाली चीज़ें, ये सारी इसे बना रखी खुद से, मैन मेड है ये सारी। और ये फील ऐसे दे रही है हमें जैसे केव्स में नहीं आए होते पुराने टाइम की, है ना, नेचुरल केव्स में। अच्छा लोग आते हैं बहुत ज़्यादा देखने के लिए, हैं, और मैं आज तक नहीं आया था बताओ, 10 साल हो गए। हाँ नकली है ये, हाँ सीमेंट का है ये। मुझे लगा पेड़ पे टाइलें कैसे लगाई हुई हैं। हाँ कुछ भी नेचुरल नहीं है, ये जो पेड़ पुड़ बनाए हैं। पीछे हमने एक पेड़ देखा, मैंने पीछे पेड़ देखा उस पर टाइलें लगी हुई थी। बस ये पेड़ नेचुरल है, बीच में जो उगा हुआ है। खत्म हो गया यहाँ पे, एक्वेरियम यहाँ पे है।
ये तो बहुत बड़ा है, तू बोल रही है एंड पे आगे, वो तो उधर झूले झूले भी हैं। यहाँ पे खाने वगैरह का भी। अरे वाह, तो क्या खिलाने वाले हो फिर आप? सही बात है, अभी सही टाइम से सही गाना लाउंदा है। बस इसकी कलेक्शन उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। ये देख, ये रही टाइगर शार्क, वो इधर को गई ब्लैक वाली, ये आ गई आ गई आ गई, ये लग रही है शार्क जैसी ये वाली। बेटा ये है कि इतनी इतनी सी फ्लैट है बिल्कुल, ये है ना ऐसे पत्ते जैसी है। नीमो। हाँ नीमो है ये, नीमो। ओके, इन्होंने डस्टबिन उठाया हुआ है, पर मस्त लग रही है ये डस्टबिन बनाया हुआ है, वेस्ट मटेरियल से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने वाली चीज़ बनाई है, खूबसूरत कॉन्सेप्ट। इसमें मुंडी गायब होगी, दोनों तरफ से जोड़ दिया। अरे वाह, इसमें एक नीचे एक ऊपर दिख रहा है। इसमें ध्यान से देखो, मुंडी गायब है और ऊपर से और नीचे से टांगे जोड़ दी उल्टी करके, और अब मेरा हाथ ऐसे अलग लग रहा है। चलो जी, लाफिंग मिरर्स हमने देख लिए, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑल दो आधी की चीज़ें तुम्हें समझ आती हैं, आधी की आती नहीं है कि कहाँ से क्या जुड़ रहा है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलो अभी देखते हैं, डॉल म्यूजियम रहता है देखने वाला, वो देखते हैं। और ये सामने देखो क्या मस्त बना रखी है, सीढ़ियाँ सी बना रखी है एकदम स्टेडियम जैसी, और ये पूरा वेस्ट मटेरियल है। ये जो रंग बिरंगे जोड़े हुए हैं इनका तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो इमेजिन करो जो सामने बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे वो पीकॉक बनाया हुआ है, इधर ये माउस बनाया हुआ है, शेर बनाया हुआ है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनको सोचो कि एक बार इमेजिन करना, फिर उसको एक एक करके जोड़ना, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, खूबसूरत एकदम। और भाई बहू क्या हाल चाल, ऊँट लेके खड़ा है ये पूरा कागज़ का बनाया हुआ है, कपड़े का सॉरी। ये सही है, इनका सेट है काम, इनकी अपनी दुनिया है, इधर ताऊ हुक्का पी रहे हैं, पंचायत लगी है। हाँ ये आंटी चूड़ियाँ बेच रही है, पहना रहे हो, यहीं से खरीद ले तू भी। अच्छे लग रहे हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा लंबी नहीं लग रही, सारी उससे बनी है, कपड़े से। हाँ कपड़े से बनाई हुई है, फिर ऐसी हैं। मस्त क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। अरे वाह, मोर भी बनाया हुआ देख, ये मस्त लग रहा है। पिंक घोड़ा। सही बात है, वो भी फ्लावर प्रिंट। हाँ डोली है ये, अरे वाह डोली भी बना रखी पूरी। और ये सारे बराती हैं, तभी तो इतने सज धज के खड़े हैं, मस्त सूट साट भी अच्छे पहन रखे इन्होंने। चलो जी, ये हो गया डॉल म्यूजियम, यहाँ पे सारी डॉल्स बना रखी हैं कपड़े की, पुराने कपड़ों से। और ये सामने हैं झूले। ऐसे घोड़े बना रखे हैं, तो यार ये ना आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, मतलब इसको जनरली ऐसा कोई इमेजिन कर नहीं पाता, इसलिए ये इतना फेमस है और अच्छी अट्रैक्शन है चंडीगढ़ में। तो बस आप यही मान के चलो कि अगर आप चंडीगढ़ आते हो और अगर घूमने फिरने के पर्पज़ से आते हो, तो रॉक गार्डन बहुत अच्छी चीज़ है, आपको देखनी चाहिए। 1.5 से 2 घंटे ले के चलो, खाने पीने का इंतज़ाम भी है, और आप मस्त इन्जॉय करोगे। अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई हैं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और चंडीगढ़ सीरीज़ की अगर बाकी वीडियोज़ आपको देखनी तो मैं कार्ड में अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से देख सकते हो चंडीगढ़ में और क्या क्या घूमने वाला। अब इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप उसके लिए इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल का आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।